ये है आरजे मीडिया और आप देख रहे हैं न्यूज अभी अभी, खबर तहकीकात हकीकत। नगर निगम ने सहारनपुर महानगर को कार्बन न्यूट्रल बनाने के संकल्प की शुरुआत करते हुए शुक्रवार को सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज में वृक्षारोपण किया। निगम ने वृक्षारोपण में लोगों व संस्थाओं को हिस्सेदार बनाने के साथ इस अभियान की शुरुआत की। नगर निगम अपने इस अभियान के तहत महानगर में 50,000 पौधों का रोपण करेगा। महापौर संजीव वालिया और नगरायुक्त ज्ञानेन्द्र सिंह ने सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज को वृक्षारोपण में साझेदार बनाते हुए कॉलेज परिसर में वृक्षारोपण किया। कॉलेज प्रबंध समिति के अध्यक्ष त्रिलोक चंद गुप्ता, प्रबंधक विनोद महेश्वरी, सरस्वती शिशु मंदिर अध्यक्ष अखिलेश मित्तल, प्रबंधक राजेश अग्रवाल आदि भी मौजूद रहे। मां शारदा के चित्र पर पुष्पार्पण से कार्यक्रम की शुरुआत हुई। इस अवसर पर महापौर संजीव वालिया ने कहा कि कोरोना काल में सहारनपुर नगर निगम ने अनेक नए आयाम स्थापित किए हैं। नगर निगम ने वृक्षारोपण की जो मुहिम शुरू की है उसके तहत महानगर में 50,000 पौधों का वृक्षारोपण किया जाएगा। नगरायुक्त ज्ञानेन्द्र सिंह ने कहा कि कोरोना से जंग में वृक्ष हमारे सबसे बड़े मददगार हैं। प्रकृति जितनी स्वस्थ रहेगी उतना ही व्यक्ति स्वस्थ रहेगा। वर्ष 2050 तक कार्बन न्यूट्रल विश्व निर्माण की परिकल्पना कर उस दिशा में अनेक प्रयास किए जा रहे हैं। नगर निगम ने भी इस दिशा में कदम बढ़ाते हुए पर्यावरण प्रेमियों, समाज सेवी संगठनों व वृक्षों को बचाने की मुहिम से जुड़े लोगों को वृक्षारोपण में हिस्सेदार बनाने का अभियान शुरू किया है, ताकि कार्बन न्यूट्रल विश्व निर्माण में सहारनपुर का भी योगदान रहे। उन्होंने सभी समाज सेवी संगठनों व पर्यावरण प्रेमियों से आह्वान किया कि वे वृक्षारोपण के लिए आगे आएं। निगम उन्हें पौधे और माली भी उपलब्ध कराएगा। साहित्यकार डॉ. अवीरेंद्र राजम ने कहा कि यदि हमें अपनी भावी पीढ़ी को सुरक्षित भविष्य देना है तो हमें प्रकृति संतुलन बनाए रखना होगा। उन्होंने कहा कि बच्चों के जन्मदिन, शादी की वर्षगांठ व विवाह समारोह आदि पर एक वृक्ष लगाने को यदि हम अपना संस्कार बना ले तो देश में कभी वृक्षारोपण अभियान की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। अध्यक्ष त्रिलोक चंद गुप्ता, शिशु मंदिर प्रधानाचार्य सुनील गुप्ता, राजीव अग्रवाल, तेज क्वात्रा, वीरेंद्र सिंह व पार्षद भूरा सिंह प्रजापति आदि भी मौजूद रहे। ये है आरजे मीडिया और आप देख रहे हैं न्यूज अभी अभी, खबर तहकीकात हकीकत।